राजस्थान में उपचुनाव से पहले भाजपा केंद्रीय हाईकमान ले सकता है बड़ा फैसला। तो जानिए कौन होगा अंदर और कौन होगा बाहर। भारतीय जनता पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के दिल्ली दौरे के बाद संगठन में बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई है। आगामी उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए नई टीम बनाई जा रही है। कुछ वरिष्ठ नेताओं को अन्य जिम्मेदारियां दी गई है जिससे नए नेताओं को अवसर मिल सकता है। ऐसे में कई दिग्गज नेताओं की छुट्टी भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद अब संगठन में बड़े बदलाव की कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश में संगठन की नई टीम बनाए जाने को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी। नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के दिल्ली दौरे से इन चर्चाओं को और भी हवा मिल गई। राठौड़ दो दिन से दिल्ली दौरे पर थे और इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी अहम मुलाकातें हुई। ऐसे में संगठन में बदलाव की चर्चाओं को बल मिला है। आगामी दिनों में प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उपचुनाव से पहले संगठन की नई टीम तैयार हो सकती है। प्रदेश संगठन में शामिल कुछ नेताओं को अन्य बड़ी जिम्मेदारी दी जा चुकी है। कोई राज्यसभा सांसद तो किसी को राजनीतिक नियुक्तियां दी जा चुकी है। ऐसे में इन नेताओं को संगठन की टीम से बाहर कर उनके स्थान पर नए नेताओं को अवसर दिया जा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया जा चुका है। ओम प्रकाश भडाना को देवनायन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका है। इसी तरह चुनेलाल ग्रासिया राज्यसभा सदस्य और दामोदर अग्रवाल लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं को प्रदेश संगठन से बाहर किया जाना तय माना जा रहा है। प्रदेश संगठन की टीम में उन विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं को शामिल किया जा सकता है जहां आगामी दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं। किमसर, दौसा, देवलीनियारा, चौरासी, झुंझुनू और सोलंपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। लिहाजा इन क्षेत्रों के जिलों वाले नेताओं को संगठन में स्थान दिया जाना तय माना जा रहा है। गत विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाली डॉक्टर ज्योति मिर्धा को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है, क्योंकि ज्योति मिर्धा ने नागौर जिले के कई नेताओं को भाजपा में शामिल कराया था। संगठन में कई नेता ऐसे हैं जो सीएम भजनलाल शर्मा के नजदीकी माने जाते हैं, जैसे श्रवण सिंह बगड़ी, जितेंद्र गोठवाल, मुकेश दादीज। इन नेताओं को संगठन में बरकरार रखा जाना भी तय माना जा रहा है। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रभुलाल सैनी, सरदार अजय पाल सिंह, बाबा बालकनाथ, नारायण सिंह पंचारिया और नार सिंह ज्यादा भी संगठन में बरकरार रखे जाने की संभावना है। नई टीम में जाति समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि उपचुनाव से पहले किसी भी वर्ग को पार्टी नाराज करने के मूड में नहीं है।